Hi friends, this is Daira Ganatra and DG World Facts is back with this video. Do follow me on Instagram. The links are given in the description. And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. DG World Facts. विज्ञान से भरी इस दुनिया में आज भी ऐसे कई राज छुपे हुए हैं, जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन सभी रहस्यों में से आज मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ओशन एरिया। 8 सितंबर 1980 1.5 लाख टन लोहे के साथ डर्बीशायर नाम का जहाज अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहा था। ये जहाज टाइटैनिक से 2 गुना ज्यादा बड़ा था। इसके चलते जहाज के अंदर रहने वाले लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये जहाज को कुछ हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली 9 सितंबर 1980 को अचानक से कुछ रहस्यमय चीज होने के कारण ये जहाज समुन्द्र से गायब हो गया। जब इसकी खबर दुनिया में फैली तब सब हैरान हो गए थी कि डर्बीशायर नाम का जहाज जो बड़े बड़े जहाजों में से एक है वो आखिर समुन्द्र पे से गायब कैसे हो गया। ये जो स्क्रीन पे आप मैप देख रहे हो जापान को टच करता हुआ ट्रायंगल, जी हाँ यहीं पे शिप गायब हुआ था। अब जैसे ही आपने स्क्रीन पर ट्रायंगल देखा आपके मन में बरमूडा ट्रायंगल आया होगा, पर मैं बरमूडा ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ उसके बारे में काफी कम ही लोगों को मालूम है और उसका नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। डर्बीशायर नामक जहाज सिर्फ अकेला ही गायब नहीं हुआ था, इसके पहले कई सारे जहाज गायब हुए थे। ये सारे जहाज कहाँ गायब हुए थे इनको जानने के लिए पूरी दुनिया से बेस्ट साइंटिस्ट को बुलाया गया। ये सभी साइंटिस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट थे। उन साइंटिस्टों ने एक शिप तैयार की थी उस जगह पर भेजने के लिए। ये शिप पूरी तैयारी के साथ गया तो जरूर पर वापस कभी नहीं आया। मतलब समझ रहे हो, उस जहाज पे जो रिसर्च टीम गई थी वो भी गायब हो गई। उस घटना के चलते जापान की गवर्नमेंट ने उस ट्रायंगल एरिया को डेंजरस जोन डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, उस जगह की जांच करने के लिए सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ी। सैटेलाइट की मदद से ये मालूम पड़ा कि ये एरिया बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही दिखता है। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल जिस अलाइन पोजीशन में है ठीक उसी अलाइन पोजीशन में ड्रैगन्स ट्रायंगल भी मौजूद है। क्या ये एक इत्तेफाक है? इसी के चलते कई लोगों का ये मानना है कि इन दो एरियाज का आपस में कोई संबंध है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक हो नहीं सकता। इन सारी चीजों से एक बात तय है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। तो फिर उस जगह पे क्या था, क्या रहस्य छुपा था जिसके कारण ये सारी शिप्स गायब हो जाती थी? बहुत सारी थियरीज हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सारी घटना हो क्यों रही थी। कई सारे साइंटिस्टों का ये मानना था कि उस एरिया में पोर्टल मौजूद था। इसके चलते सारे जहाज जब वहां से पास होते थे तो वो दूसरी दुनिया में चले जाते थे। इट साउंड्स वियर्ड, बट जब ऐसी सारी घटनाएं होती है तो हमें विज्ञान के परे सोचना चाहिए। अब आप ही सोचो कि विज्ञान से भरी इस दुनिया में आखिर जहाजें गायब कैसे हो सकती है। पर आखिरकार 1987 में 2 लोगों का ग्रुप रिसर्च करके वापस आया। वो 2 डाइवर्स समुद्र के अंदर ही रिसर्च कर रहे थे, पर वो 2 डाइवर्स
ड्रैगन ट्रायंगल के बीच में नहीं गए, बल्कि जहाँ से ड्रैगन ट्रायंगल शुरू होता है उसकी बॉर्डर पे ही कुछ सुराग ढूंढने के लिए गए और उन्हें वहां ये मिला। समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे रैंडम शेप्स के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने बनाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जापान की हिस्ट्री में इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब इन स्ट्रक्चर्स का और शिप्स के गायब होने का कोई तो संबंध है। अगर लोगों की बातें माने तो वहां जाने पर हमारा कंपास घूमने लगता है और हमें गलत दिशा दिखाने लगता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि वहां पे एक वर्लपूल बनता है जिसके कारण सारी शिप्स अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, पर एक बात साइंटिफिकली प्रूव जरूर है, वो है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल में देता हूं। मानो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ 2 दिन के लिए कहीं घूमने गए, पर जब आप घूमकर वापस घर पे आए तब आपने नोटिस किया कि 20 दिन निकल चुके हैं। जी हाँ, इसी को ही टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको स्पेस में ब्लैक होल के आगे से चक्कर लगाना होगा। जैसे ही आपने चक्कर लगाया ब्लैक होल के सामने से, आपका टाइम स्लो हो जाएगा। पर आपने एक चीज नोटिस की कि ब्लैक होल की इफेक्ट और ड्रैगन ट्रायंगल की इफेक्ट सेम है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई तो संबंध है। दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ड्रैगन ट्रायंगल आज भी एक राज बनकर ही रह गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.